अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करना तो हर जानवर के खून में है, लेकिन क्या कभी ऐसे जानवरों से आपका पाला पड़ा है जो इंसानों के लिए शिकार करने निकल पड़े? जरा सोचिए कैसा होगा अगर नदी में मछलियां पकड़ते हुए एक पक्षी मछुआरों का सहारा बने, या फिर एक ऑटर पानी के अंदर जाकर चक्कर लगाए और मछलियों की सही लोकेशन फिशरमैन के साथ शेयर करे। ये तकनीक सुनने में सरप्राइजिंग लगती है ना, लेकिन सदियों से ऐसा कई देशों में होता आ रहा है। मछलियों को पकड़ने के लिए कई जानवरों की मदद ली जाती है जो आपकी सोच से भी परे है। चलिए आज कुछ ऐसे ही जीवों का रुख करते हैं जो फिशिंग टेक्निक में सभी के बाप हैं। यकीन मानिए इनकी मदद ही कई मछुआरों का पेट पाल रही हैं। नॉनवेज लवर्स के भारत में कई दीवाने हैं। खास तौर पर बात हो सी फूड की तो मछली को भारत के कई हिस्सों में बड़े चाव से खाया जाता है। इसका जायका पसंद करने वाले कई लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मछलियों को पकड़ना भी एक टैलेंट है। इसकी कई तकनीक दुनिया भर में आजमाई जाती है। नेट को पानी में डालकर मॉडर्न फिशिंग टेक्निक को तो सभी जानते हैं, लेकिन जानवरों की मदद से मछली पकड़ने का टैलेंट बेहद ही कम लोगों के पास होता है। इन्हीं में से कुछ बांग्लादेश में रहने वाले हैं जो अभी भी जानवरों की मदद से मछली पकड़ने का काम करते हैं। जानना चाहेंगे ये जानवर कौन है? ये है सभी को खौफ में रखने वाले जायंट ऑटर्स। जंगल में जायंट ऑटर्स की धाक भले ही झुंड की ताकत से बरकरार रहती है, लेकिन जब ये पालतू बन जाते हैं तो बिना झुंड के भी अकेले कमाल दिखाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में फिशरमैन्स ने सदियों से मछलियों को पकड़ने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया है। यहाँ इंसान और एक खतरनाक जानवर के बीच हमें एक ऐसा रिश्ता देखने को मिलता है जो काफी अनोखा है। यहाँ फिशरमैन बड़े प्यार से कुत्ता बिल्ली जैसे आम जानवरों को पालने के बजाय ऑटर्स को पालते हैं, जो उन्हें बदले में मछलियाँ पकड़ने में मदद करते हैं। बांग्लादेश बंगाल के सुंदरबन और मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहने वाले फिशरमैन मछली पकड़ते हुए अपने ऑटर्स को आजाद कर देते हैं और उन्हें पानी के नीचे डाइव करने भेज देते हैं। नदी का जायजा लेते हुए ऑटर्स उस हिस्से को खोज निकालते हैं जहां मछलियां झुंड में रहती हैं। फिशरमैन उसी समय नेट डालकर मछलियों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा मछलियों को पकड़कर मुनाफा कमाते हैं। ऑटर्स खुद मछली पकड़ने का काम नहीं करते, उनका काम केवल इंसान को मछली पकड़ने के लिए गाइड करना होता है। इसके लिए इन खतरनाक जीवों को अच्छे से ट्रेन किया जाता है। दोस्तों, ये मछली पकड़ने की ऐसी तकनीक है जो कि आज के मछुआरों में उनकी पीढ़ियों से ट्रांसफर होती आ रही है। दादा से पापा और फिर बेटे को ये तकनीक मिली है। मछुआरे मानते हैं कि ऑर्डर्स के बगैर वो ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकते, क्योंकि पानी के नीचे जाकर उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना केवल ऑर्डर्स ही कर सकते हैं। दिन में तो क्या, इन जीवों की बदौलत फिशरमैन रात को भी नदी में 26 पाउंड तक मछलियां पकड़ लेते हैं। कई बार क्रैब्स और श्रिम्प जैसे सी फूड को भी अपने जाल में फंसा लेते हैं और मार्केट में अच्छा पैसा कमाते हैं। हालांकि ये तकनीक काफी ट्रेडिशनल और अनोखी है, लेकिन आज ये खात्मे की तरफ बढ़ रही है क्योंकि अब कुछ ही लोगों में ये कला जिंदा है। मछलियों की गिरती संख्या के साथ एशिया के कई रीजन में ये कला पहले ही मर चुकी है। इसके साथ ही शॉर्ट हेयर्ड ऑटर्स की खत्म होती संख्या भी इस कला के एक्सटेंशन के लिए जिम्मेदार है। आज भी जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो गरीबी में जी रहे हैं। कॉर्मोरेंट्स केवल ऑटर्स ही नहीं जिन्होंने इंसानों के सर्वाइवल में उनका साथ दिया है, बल्कि इस बड़े से पंख और बड़े से शरीर वाले पक्षी को देख रहे हैं आप, ये है कॉर्मोरेंट्स। कॉर्मोरेंट्स का नाम शायद आपके लिए नया हो, लेकिन चाइना और जापान जैसे देशों के कई हिस्सों में ये पक्षी उनकी सबसे शानदार साथी है। यहाँ मछली पकड़ते तो इंसान है, लेकिन सही मायनों में फिशरमैन कॉर्मोरेंट्स को ही कहा जाता है। जापान में प्राचीन काल से ही मछली को पकड़ने के लिए कॉर्मोरेंट्स का सहारा लिया जाता है। इस तकनीक को उकाई कहकर बुलाया जाता है। काले खूबसूरत और बड़े पंखों वाले ये पक्षी कहने को तो केरला की कई बर्ड सेंचुरी में भी पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ इस पक्षी को आप इंसानों के लिए मछली पकड़ते हुए स्पॉट नहीं कर सकते। ऐसा केवल जापान और चाइना में होता है। जापान में 1300 सालों से उकाई फिशिंग तकनीक से मछली पकड़ी जाती है। जापान के मास्टर फिशरमैन अपनी बड़ी बोट के साथ पानी में उतरते हैं। कॉर्मोरेंट्स को पानी में उतारने से पहले ये उसके गले को बांध देते हैं ताकि ये मछली को अपने चोंच के सहारे पकड़ ले, लेकिन उसे निगल ना पाए। एक बार गला बांध लेने के बाद ये उसे पानी में उतारते हैं। एक साथ कई कॉर्मोरेंट्स को भारी तादाद में पानी में छोड़ा जाता है, लेकिन ये नाव से बंधी हुई होती हैं।
ऐसे में ये नाव के साथ साथ चलते हुए उस इलाके की तरफ बढ़ती है जहाँ भोजन सबसे ज्यादा होता है। पानी के अंदर जाते ही ये तेजी से मछलियों का शिकार करती हैं, लेकिन गले में रस्सी बंधे होने की वजह से ये मछलियों को निगल नहीं पाती। बाहर आने के बाद इनके गले से मछलियों को निकालकर इंसान इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके गले को खोल देते हैं। उकाई की इस तकनीक से कई मछलियों को पकड़ा जाता है। मछली पकड़ने वाले कॉर्मोरेंट्स को इस काम के लिए पूरी तरह ट्रेन किया जाता है। 1300 सालों से जहां जापान में ये एंशियंट टेक्निक बरकरार है, वहीं चाइना में भी इस तकनीक को उसी शिद्दत से बरकरार रखा गया है। 70 से 80 के दशक से चाइना के क्लीन वाटर कॉर्मोरेंट्स के लिए परफेक्ट फिशिंग स्पॉट रहे हैं। कई मछुआरों ने इन बर्ड्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी फिशिंग ही की है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इनके गले में धागा बांधकर ये उन्हें पानी में छोड़ देते हैं। ये खुद नदी के तह तक जाकर वापस लौट आते हैं और जल्दी ही अपने मालिक को मछली सौंप देते हैं। इस तकनीक से फिशरमैन और कॉर्मोरेंट्स बर्ड्स कई दशकों से एक साझेदारी का काम कर रहे हैं। कॉर्मोरेंट्स बर्ड्स अपने मालिक के लिए हर तरह की मछली पकड़ के लेके आते हैं। वैसे दिलचस्प बात है कि कई जगहों पर कॉर्मोरेंट्स की जगह डार्टर्स को भी फिशिंग बर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये स्नेक बर्ड भी कॉर्मोरेंट्स की तरह पानी में तैरने और शिकार पकड़ने में काफी कमाल की हैं, इसलिए इन्हें सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉल्फिन। नदी में मछली पकड़ने के बाद अब चलते हैं समुन्दर की ओर, जहाँ एक नहीं बल्कि कई जीवों का बसेरा रहता है। आपने इंसान को तो अक्सर डॉल्फिन की मदद करते देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी डॉल्फिन को फिशरमैन की मदद करते देखा है? यकीन नहीं होता ना कि एक मछली कैसे अपने कुंबे के खिलाफ इंसानों की मदद कर सकती है। ब्राजील के कोस्टल टाउन लेगुना में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ डॉल्फिन और इंसानों के बीच एक ऐसा सिंबायोटिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है कि डॉल्फिन्स खुद फिशिंग में इंसानों की मदद करती हैं। दरअसल ये डॉल्फिन्स मछलियों के झुंड को तटरेखा की ओर ले जाती हैं और फिर फिशरमैन को इशारा दे देती हैं कि कब पानी में नेट छोड़ने की जरूरत है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मछलियां जाल में फंस जाती हैं। यहाँ फिशरमैन कुछ नहीं करते, वो चुपचाप खड़े रहते हैं और केवल डॉल्फिन के इंस्ट्रक्शन का इंतजार करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि डॉल्फिन्स दिमागदार होने के साथ ही इंसानों की सबसे बेहतरीन साथी हैं। इनके लेवल का डेडिकेशन इंसान मैच नहीं कर सकते। मिंक। मिंक जैसा क्यूट नाम सुनकर बहक मत जाइएगा, क्योंकि ये छोटे से दिखने वाले शिकारी काफी बड़े काम करते हैं। अपनी तैराकी की कला में माहिर होने के साथ साथ ये पानी में काफी नीचे तक जाते हैं। इनके पार्शियली वेब्ड टोज एक बड़ा फीचर है, जिसकी बदौलत ये काफी देर तक पानी में रह सकते हैं और एक के बाद एक मछली को पकड़ भी सकते हैं। हालांकि इन्हें बहुत ही बड़े लेवल पर फिशिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस फुर्तीले शिकारी को पालते हैं। काले रंग के मिंक की रफ्तार पानी में बहुत तेज होती है। इन्हें अच्छे से ट्रेन करने पर ये काफी एक्टिवली मछली पकड़ते हैं और अपने मालिक के पास लेकर आते हैं। फिश को चेज करते हुए ये उसे अपने मुंह में फंसाते हैं और बड़े साइज की मछली को अपना टारगेट बनाते हैं। स्नेक। डॉल्फिन, मिंक और ऑटर्स का तो फिशिंग में जीवों को असिस्ट करना समझ आता है, लेकिन क्या आप सांप को इंसानों की मदद करते हुए इमेजिन कर सकते हैं? ये देखने के बाद शायद आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। इस तरह की फिशिंग टेक्निक नदी में काम नहीं करती। ये पिट होल फिशिंग टेक्निक है, जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। यहाँ एक पालतू सांप को होल में भेजा जाता है, जो कई मछलियों को होल से बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। इस तरह की कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे, जहां सांप के जरिए भी लोग अपने लिए मछलियां पकड़ते हैं और लंच में अपने फेवरेट डिश का जायका उठाते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि फिशिंग टेक्निक के जरिए इंसान और जानवरों के बीच हमें कुछ खूबसूरत सिम्बायोटिक रिलेशन देखने को मिलते हैं। भारत में इस तरह के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ वाइल्ड एनिमल्स को लेकर काफी सख्त कानून है। आपको इनमें से कौन सी फिशिंग टेक्निक सबसे बेहतर लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।